हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिल होने पर हम रजिस्ट्रेशन के लिए रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है और उसके लिए फिर हम रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए हैं। जो लोग अपना रिवोकेशन एप्लीकेशन समय से फाइल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए जीएसटी का एक नया अपडेट आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कब से कब तक की डेट के रिवोकेशन जो हैं वो फाइल किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने इस बारे में नया अपडेट जो दिया है वो किसके लिए है और कब से कब तक के लिए वो प्रभावी रहने वाला है। देखिए, जैसा कि इन्होंने 31 मई 2021 को इसके बारे में एक नया अपडेट दिया है, एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन व्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल टेकन इन इट्स 43rd मीटिंग डेटेड 28/5/2021। द टाइम लाइन फॉर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन फॉर दोज एप्लीकेंट्स फॉर हुम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच एप्लीकेशन वॉज फाइलिंग बिटवीन 15th अप्रैल टू 29th जून 2021 हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 30th जून 2021। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अपनी रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के लिए समय दिया जा रहा है कि अगर उनकी ड्यू डेट यानी रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने की ड्यू डेट 15 अप्रैल से लेकर के 29 जून 2021 के बीच में आ रही थी, तो ये लोग अपना 30 जून 2021 तक अपना रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम अपना रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल समय से नहीं कर पाए हैं और अगर हमारी रिवोकेशन फाइलिंग की डेट जो ड्यू डेट आ रही है वो 15 अप्रैल से लेकर के 29 जून 2021 के बीच में आ रही है, तो ये डेट अब इनके द्वारा 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो अब हम अभी भी अपनी एप्लीकेशन फाइल रिवोकेशन की कर सकते हैं। तो अगर रह गया है तो हम इसको फाइल कर लें। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि GSTR-4 से संबंधित काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही है, लेकिन GSTR-4 से संबंधित ऑलरेडी मैं एक वीडियो अभी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको डिटेल से देख सकते हैं जिससे आपकी वो क्वेरी दूर हो सकती है। लेकिन चूंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं तो मैं इसको एक बार फिर से आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो अभी इनकी 43वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 28 मई 2021 को, इसमें इन्होंने GSTR-4 के संबंध में बताया था। उसमें उन्होंने ये बताया था कि टैक्स पेयर्स हैविंग निल टैक्स लाइबिलिटी, ऐसे टैक्स पेयर्स जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत हैं और जिनको GSTR-4 फाइल करना होता है, ये एक ईयरली फॉर्म है जो पहले क्वार्टरली हुआ करता था लेकिन अब वो ईयरली है, ईयरली बेसिस पे हमें फाइल करना होता है। तो GSTR-4 जो कंपोजिशन डीलर्स को फाइल करना है, अगर उनकी टैक्स लाइबिलिटी निल है तो उनके ऊपर ₹500 की लेट फीस लगेगी और वो होगी ₹250 CGST में और ₹250 SGST में। इसी के साथ उसमें ये भी बताया गया था कि अगर अदर टैक्स पेयर्स हैं यानी कि जिनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, ऐसे टैक्स पेयर्स के ऊपर क्या लेट फीस आनी है, ₹2000 यानी ₹2000 उनके ऊपर ये लेट फीस आनी है, जिसमें ₹1000 CGST पर लगेगा और ₹1000 SGST पर लगेगा। और ये पर रिटर्न है, मतलब ये कि अगर आपका रिटर्न जो भी फाइलिंग से रह गए हैं उसके ऊपर लगेगी। लेकिन यहाँ पर लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन आ गया था कि क्या 2019-20 और 2020-21 पर भी ये सुविधा मिलेगी। तो इसके संबंध में इन्होंने इसको क्लियर किया है कि ये हमने जो किया है ये कब तक के लिए किया है, 2019-20 और 2020-21 पे लागू होगी या नहीं लागू होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि 2019-20 का टाइम
निकल चुका है GSTR 4 फाइल करने का, लेकिन 2020-21 की टाइमिंग अभी आपके पास है चूंकि वो फिर से एक्सटेंड कर दी गई है, तो अभी आप उसको 31 जुलाई 2021 तक फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है और ना ही उसके ऊपर कोई लेट फीस वाली बात आती है। अब बात आती है जो इन्होंने क्लियर किया कि रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फी लेवेबल ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन फर्निशिंग रिटर्न इन फॉर्म GSTR 4 बाय कंपोजिशन टैक्सपेयर्स फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स। यहां पर इन्होंने बताया फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स। इसका मतलब यह है कि जो हम 2019-20 या 2020-21 की बात कर रहे थे उस पर ये सुविधा नहीं मिलेगी, उस पर ये लाभ हमें नहीं मिलेगा। ये लाभ किसको कब मिलेगा? ये लाभ मिलेगा GSTR 4 जब हम 2021-2022 के लिए फाइल करेंगे। उस समय अगर ये लेट होता है तो आपके ऊपर इस तरह से टैक्स लायबिलिटी लेट फीस आएगी कि अगर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आपको ₹500 लेट फीस देनी है, ₹250 CGST में और ₹250 SGST में। लेकिन अगर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है तो आपको लेट फीस देनी है ₹2,000, ₹1,000 CGST में और ₹1,000 SGST में। तो यहां पर जो ये सुविधा दी जा रही है ये आगे के वर्षों के लिए है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के लिए है। हमारे पास ये लेट फीस की जो सुविधा है या जो हमें ये दिया जा रहा है ये 2019-20 और 2020-21 के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर अभी तक हमने अपना 2019-20 का रिटर्न फाइल नहीं किया है, यानी GSTR 4 फाइल नहीं किया है, तो उसको लेट फीस के साथ हम तुरंत फाइल कर दें। और 2020-21 का भी अगर अभी तक हमने फाइल नहीं किया है तो अभी हमारे पास 31 जुलाई 2021 तक का समय है, हम उसको समय से फाइल कर दें जिससे ये लेट फीस का बर्डन हमारे ऊपर ना आए। क्योंकि जो ये रिलैक्सेशन दिया गया है ये 2020-21 पर भी लागू नहीं है। तो ऐसा मत करिएगा कि 2020-21 का भी आप समय से फाइल ना कर पाए, यानी 31 जुलाई 2021 के पहले अगर आप फाइल नहीं कर पाए तक नहीं फाइल कर पाए तो फिर आपके ऊपर लेट फीस वही लगेगी जो पहले लग रही थी। जो फीस ये घटा करके ₹500 और ₹2,000 की गई है, इस सुविधा का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। धन्यवाद।